आज तक YouTube में देखा था, यहाँ पे अलग अलग गेस्ट बैठते हैं और आई एम श्योर यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है। उसका एक रीज़न है, मैंने बतेरी वीडियो में बोला सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग, एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। बट आज संदीप सर के सामने बैठ के थोड़ा नर्वस हूँ। बट इतना नर्वस होना तो शायद बनता है, देखो तो सामने कौन बैठा है। अरे सर आपने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या आपने जीता है। सर वैसे तो अगर लेटेस्ट लगाओगे तो आई एम एशिया चैंपियन 2022। आई थिंक हर एक खिलाड़ी का सपना होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे, ना कि रिप्रेजेंट करे उसके लिए एक मेडल लेके आ सके, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन एक खिलाड़ी जो अपने तरीके से कर सकता है। 80 kg में मेरा गोल्ड आया। एंड फिर क्या होता है कि जब आप हर वेट कैटेगरी के एक एथलीट होते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 65, 70, 75, 80, 90, 100 प्लस, तो ऐसे 10 कैटेगरीज होती हैं। बट 10 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी के चैंपियन को भी वो फ्रंट में बुलाते हैं और उनमें से एक को बनाते हैं वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस। सो आई एम अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस साल 2022 का वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं अपने देश के लिए एक बड़ी सी ट्रॉफी, एक गोल्ड मेडल, एक चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का मेडल लेके आया हूँ। बट उसके अलावा भी मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 3 बार। अब आप ये तो नहीं पूछोगे ऐसी कितनी उम्र है मेरी। इनफैक्ट मैं पूछने वाला था आपसे कि आपकी एज कितनी है, जब आपने मिस्टर एशिया का टाइटल आपने जीता चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तब आपकी एज कितनी थी? 25 दिसंबर को मैं 40 साल का पूरा हो जाऊंगा, तो यानी अगर 3 महीने पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम रनिंग 39। बट जब मैंने पहला कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था 2001, सो इट्स बीइंग 22 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेडल्स लेके आ रहा हूँ। बट अभी इस एज में बहुत सारे खिलाड़ियों के सवाल खड़े हो जाते हैं आफ्टर 36, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा पेशा है जिससे आपको निरंतर लोहे से लड़ना पड़ता है, रोज जिम में जाके 4-5 घंटे लड़ना लोहे से, फिर उस तरह का डाइट फॉलो करना। आई थिंक 36 में मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो मेरे ऊपर भी 2018 में ये सवाल उठा था, क्योंकि 2018 में मैं अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड आया था बट चैंपियन ऑफ चैंपियंस नहीं बन पाया था। बट 2018 के बाद 19 में कोविड, 20 में भी कोविड रहा, 21 में भी कॉम्पिटिशन नहीं हो पाया, तो 36 से फिर वो मैं 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया। बट बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यतेंद्र सिंह फिनिश हो चुका है अब एज एन एथलीट, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी कोविड के दौरान, बहुत सारे लोगों ने मुझे उंगली उठाई कि अब तो ये बस यूट्यूबर बन के रह गया, इसके अंदर का खिलाड़ी मर गया। तो इस साल मेरा बस यही चैलेंज था कि मेरी जंग मुझी से है, किसी और से नहीं, और अगर है खुद पर विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं। ये सौभाग्य मिला, ऊपर वाले का आशीर्वाद, बड़ों का साथ और संदीप सर की मोटिवेशन, ये सब इतना भारी भरकम बन गया था कि वो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में बन पाया। तो कहने का मतलब यही है कि 39 में इस तरह की चैंपियनशिप जीतना डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता।